अवाह देवी से पट्टा बायां गुड़ोला मार्ग को एक परिवार की ओर से बंद करने से प्रभावित परिवारों में आक्रोश है। इस समस्या के समाधान की गुहार लेकर गांव के 3 दर्जन लोग से अधिक परिवार उपायुक्त हमीरपुर के कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने उपायुक्त को बताया कि इस सड़क के बंद होने से गांव के दर्जनों परिवारों को आने जाने में दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। खासकर स्कूली बच्चों, महिलाओं, मरीजों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। अवाह देवी से पट्टा बायां गुड़ोला मार्ग को एक परिवार की ओर से बंद करने से प्रभावित परिवारों में आक्रोश है। इस समस्या के समाधान की गुहार लेकर गांव के 3 दर्जन से अधिक परिवार उपायुक्त हमीरपुर के कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने उपायुक्त को बताया कि इस सड़क के बंद होने से गांव के दर्जनों परिवारों को आने जाने में दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। खासकर स्कूली बच्चों, महिलाओं, मरीजों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। स्कूली बच्चों को सुबह के समय ठंड के मौसम में स्कूली वाहन गाँव में न पहुँचने से कई किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर लोक निर्माण विभाग ने लाखों रुपए खर्च किए हैं। बावजूद इसके कुछ लोगों ने सड़क पर गड्ढे खोदकर इस मार्ग को अवैध तरीके से बंद कर दिया है। ग्रामीणों में प्यार चंद, परम राम, विजय सिंह, रूप चंद, संकुतला देवी, रेखा, वंदना, रचना देवी आदि ने उपायुक्त से गुहार लगाते हुए इस समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की है। बताया जा रहा है कि गांव में सड़क के लिए कुछ लोगों ने पूर्व में मलकीत भूमि दान दी थी, लेकिन गिफ्ट डीड लोनिवी के नाम न होने के कारण अब जमीन के मालिकों ने सड़क को बंद कर दिया है। कानूनी अड़चनों के कारण इस मार्ग को बहाल करने में दिक्कतें पेश आ रही है। जी, राम गडोला जी, सर हमारी समस्या है कि पटावा देवी रोड से पक्का डंगा से गांव गडोला को लिंक रोड जाता है। उस लिंक रोड को श्री होशियार सिंह सपुत्र श्री ब्रिजलाल, विनीता देवी पत्नी होशियार सिंह, राजकुमार पुत्र ब्रिजलाल, सुकोतला देवी पत्नी बलदेव सिंह ने अवरुद्ध कर रखा है। उसमें गड्ढा डालती है जिसमें सड़क में आना जाना जो है वो मुश्किल हो गया है। ना कोई बूढ़ा जा सकता है, ना बीमार, ना प्रसूता वाली कोई भी नहीं आ जा सकती है। जबकि यह सड़क जो है वो अंडर पीडब्ल्यूडी बनी है, इसके ऊपर 27.5 लाख 30 लाख रुपए खर्च हुआ है। रिपेयर भी पीडब्ल्यूडी ने की है, लेकिन अब उसमें आना जाना जो है मुश्किल हो गया है। तो इसलिए हमारी आपसे विनम्र निवेदन है कि इस आवाज़ को उठाया जाए और लोगों की समस्या को दूर किया। ये सड़क कब बनी थी? ये सड़क 1985 में गांव वालों ने स्वयं इसको बनाया था, जिसमें स्वर्गीय ठाकर कर्म सिंह ने 30,000 रुपया दिया था। उसके बाद धीरे धीरे सरकार द्वारा पैसा इसको आता रहा और अंडर पीडब्ल्यूडी ये सड़क बनी हुई है, जो कि जिसका इंदिराज जो है वो पटवारी के कागजों में। कितनी किलोमीटर सड़क है ये? 1 किलोमीटर सड़क है। इसमें बस भी जाती है? बस नहीं जाती है, ट्रक जाते हैं, ये बड़ा सामान लेकर सब जाते हैं, बाकी आवाजाही। सड़क के बंद होने से कितने गाँव को प्रभावित हो रहे हैं? 2 गाँवों को प्रभावित हो रहे हैं, गाँव बजड़ा और गांव गडोला, जो कि दोनों पंचायतें हैं, एक बजड़ा पंचायत है, एक बदानी।